चलिए देखते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक ना, इससे पहले वीडियो में हम लोग 10 तक देखे थे, 10 तक हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर, और इस वीडियो में हम 11 के बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए। और एक्सरसाइज हमें एक्सरसाइज चल रहा है 5.3 चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखो 11 नंबर। अरे यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग, एन पदों का योग इतना है, और योग को, योग मतलब क्या, सम, सम को हम एस से रिप्रेजेंट करते बच्चे, तो एन पदों तक का योग यानी एस एन बराबर, अगर हम यहाँ लिखेंगे इसको, लिखते जाएंगे बाबू, तो कुछ इस तरह से एस एन बराबर हो जाएगा 4n-n² हो जाएगा। अरे असल में यानी एन पदों तक का योग, एन पदों तक का योग हो गया, तो इसका प्रथम पद ये योग है बच्चे, यानी क्या हो गया, जोड़ है। अब उसमें से कह रहा है कि प्रथम पद, पद अलग हो गया बच्चे, जोड़ अलग हो गया। इसका प्रथम पद अर्थात क्या बच्चे, एस वन है, सही बात है। प्रथम पद जो होगा प्रथम पदों के योग के बराबर ही होगा ना बाबू, ठीक है। प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, फिर कह रहा है कि प्रथम दो पदों के, यानी शुरू से दो पद, यानी एस वन दो पद, यानी ए वन और ए टू दो पदों का योग पूछ रहे, क्या होगा, मीन्स क्या होगा वो एस टू, अरे में एस टू पूछ रहे क्या होगा। फिर कह रहे दूसरा पद क्या होगा, ये तो एस जो है दो पदों का योग हो गया बाबू, अब दूसरा पद कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, ए टू का वैल्यू पूछ रहा है, यही ना टर्म्स हुआ बाबू, ये पद हो गया। ए जो है वह पदों की संख्या को बताता है बच्चे, जैसे ए टू यानी दूसरा पद, एस टू माने दो पदों का जोड़, जैसे एस टू प्रथम दो पदों का जोड़ हो गया, और उसमें अगर प्रथम दो पद होगा, मान लो कि ए वन है और ए टू है, तो इसका जोड़ हो जाएगा, लेकिन दूसरा पद कहे तो ए टू हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा, और उसमें तो प्रथम दो पदों का जोड़ और दो पद यानी दूसरा पद अलग हो गया, राइट ना। चलिए फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो कह रहा है दूसरा पद क्या है, मतलब ए टू का वैल्यू पूछ रहा है, इसी प्रकार तीसरे पद यानी ए थ्री का वैल्यू पूछ रहा है, दसवें और एनवे पद ज्ञात कीजिए, दसवां पद भी पूछ रहा है, अरे उस समय, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है बच्चे, फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला है बाबू ए एन इजकल टू एस एन एस एन माइनस वन, तो यहां से ना पद की संख्या निकल जाता है, कैसे भाई, जैसे मान लो कि प्रथम पद का योग एस वन है वन, या प्रथम पद कितना है वन है, ठीक है, अरे समय दूसरा पदों का योग मान लो दो पद को जोड़ते हैं वन टू, चलो दो पद को जोड़ते हैं तीसरा हो गया तीन पद, यानी दूसरा पदों का योग कितना होगा, थ्री हो गया, ध्यान देना बाबू जरा कॉन्सेप्ट दे रहे, ठीक है ध्यान देना बाबू। देखो मान लो कि पहला पद, जब पहला पद वन है और एस वन कहने का मतलब प्रथम एक पदों का जोड़ हो गया, अरे उस समय एस वन मीन्स क्या हुआ बच्चे, प्रथम एक पदों का जोड़ कितना होगा, वन ही होगा, जो पहला पद होगा उसी के बराबर तो जोड़ होगा ना बाबू, तो एस वन जो होगा वन होगा। अब प्रथम दो पदों का जोड़ मान लो कि पहला पद एक है दूसरा पद दो है, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, थ्री होगा, अब थ्री क्या होगा बाबू, ये दूसरा पदों का क्या हो गया, जोड़ हो गया बच्चे, एस टू हो गया प्रथम दो पदों का जोड़ हो गया, एस वन जो हुआ प्रथम पदों का जोड़ हुआ। अब यदि आपसे पूछे बाबू कि दूसरा पद क्या होगा, प्रथम दो पदों का जोड़ नहीं पूछ रहा बच्चे, दूसरा पद क्या होगा, मीन्स ए वन और ए टू, ए वन तो निकल गया तो पूछ रहा बाबू ए टू क्या होगा, तो बाबू अब देखो अगर थ्री से हम वन घटा देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा बाबू, बोलो। अब यदि हमको दूसरा पद निकालना है बच्चे, तो देखो थ्री से वन घटा देंगे तो बचेगा टू, और ए टू क्या होगा बाबू,
ए टू का मान ना होगा बच्चे, यानी दूसरा पद ना हो जाएगा। आए बोल में यानी प्रथम दो पदों के योग से उससे पहले वाले पदों के योग को घटा देंगे, और उसमें प्रथम दो पदों के योग में से प्रथम पद के योग को घटा देंगे तो जो बचेगा बाबू वही तो दूसरा पद निकल आएगा बच्चे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो यही फॉर्मूला यहाँ है। देखो क्या निकालना था हमको, ध्यान दो इस फॉर्मूला को, हम यहाँ सर्टिफाइड पहले हो जाओ। देखो ए दूसरा पद निकालना है ना, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, दो हो गया, और यहाँ कितना हो गया बाबू एस टू हो गया, माइनस यहाँ कितना हो गया बाबू एस टू माइनस वन हो गया, देन एस टू माइनस एस वन हो गया। अब एस टू का वैल्यू कितना है बच्चे, थ्री है, और एस वन का वैल्यू कितना बाबू वन है, देन कितना हो गया बाबू टू हो गया। ये ए टू का ना मान निकल गया बाबू, समझ में आया? ये निकला बाबू ए टू यानी दूसरा पद का मान, यानी शुरू से लेकर के लास्ट पद तक का जोड़ में से, फिर शुरू से लेकर के लास्ट पद के एक पहले पद तक के जोड़ से जोड़ को अगर हम घटा देंगे बाबू तो लास्ट पद ही निकल जाएगा बच्चे। एडमिशन में ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन पर, चलो यहां जाओ। तो इसी तरह से पूछ रहा बच्चे, देखो एटी के प्रथम एन पदों का योग है इतना, यानी एस एन बराबर इतना दिया हुआ है। अरे उसे में अगर हम, और देखो बाबू यहाँ एन जो है ना वन टू थ्री फोर प्राकृतिक संख्या हो गया, अब यदि हम एस वन कर देंगे तो कितना होगा फोर इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर, यानी ई फोर हो गया माइनस वन, देन कितना बचा बाबू थ्री, यानी एस वन कितना हो गया बाबू थ्री हो गया। एस वन कहे तो प्रथम एक पदों का जोड़, अब एक ही पद है बच्चे और एक पदों का जोड़ कितना है थ्री है। अरे समय अब एक ही पद है तो उस एक पद क्या कहलाएगा बच्चे, एक ही पद मतलब ए वन कहलाएगा, तो एस वन जो है ना बच्चे ये क्या हो जाएगा ए वन ही हो जाएगा। अरे समय अर्थात क्या होगा एस वन बराबर ए वन बराबर कितना हो जाएगा बाबू थ्री हो गया। ए वन का वैल्यू कितना निकल कर आ गया थ्री आ गया, जो कि एस वन के बराबर होगा क्योंकि एस वन जो है बाबू वह प्रथम एक पदों का योग है। तो एक पद क्या बच्चे थ्री, पहला पद जो होगा वो भी तो होगा बच्चे, पहला पद होगा जोड़ वही होगा या पहला पद ही वही होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं जरा, हाँ तो बड़ा सारी निकाल सकते हैं हम लोग। अगर पूछे बच्चे एस वन हो गया, अब पूछेगा एस टू पूछेगा, ठीक है यहाँ तो है ना बाबू देखो यही तो है एस टू, एट बराबर कितना पुट करना है दो पुट करना है, यहाँ पुट करो देखो फोर इन टू एन का वैल्यू इस बार कितना लेंगे टू लेंगे, चूंकि एन बराबर टू है, माइनस में टू का स्क्वायर हो जाएगा। अरे उस समय मीन कितना हो गया बच्चे आठ हो गया और ये चार हो गया, बच्चा बच्चे चार, यानी एस टू बराबर कितना निकल कर आ गया बच्चे फोर निकल कर आ गया। अरे उस समय अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बढ़िया क्वेश्चन है। इसी तरह से अब यदि हमें निकालना होगा एस थ्री, तो एस थ्री के यहाँ थ्री करेंगे ना बाबू, यहाँ पर एन एन का वैल्यू कितना रखेंगे तीन रखेंगे, तो तीन चौका बारह होगा, चार इंटू थ्री माइनस में एन का वैल्यू कितना होगा बाबू थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ट्वेल्व हो गया माइनस नाइन हो गया, देन कितना बचा बच्चे थ्री बचा, एस थ्री का वैल्यू कितना हो गया बाबू थ्री हो गया। अरे बच्चों ने एस थ्री का जो वैल्यू होगा बाबू थ्री हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से एस फोर निकालो एस फाइव ऐसे निकाल सकते हो, तो अब ये हो गया बच्चे देखो अब क्वेश्चन आते हैं इसका प्रथम पद तो ए हो ही गया, अब करे प्रथम दो पदों का योग, तो दो पदों का योग तो फोर हो गया, फिर करो बच्चे दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद के लिए बाबू यहाँ फॉर्मूला दिए थे बच्चे ए एन इजकल टू एस एन माइनस में एस एन माइनस वन कर दो, या दो में से पहला घटा दो तो दूसरा पद निकल जाएगा, यानी दूसरा पद निकालना बच्चे तो ए एन का वैल्यू कितना होगा बाबू दो होगा क्योंकि दूसरा पद निकालना है।
और एस टू माइनस में एस टू माइनस वन मतलब वन, एस टू का वैल्यू देखो बाबू दिया है बच्चे 4 है, और एस वन का वैल्यू बाबू कितना निकल कर आया है 3 आया है, मीन्स कितना होगा बाबू 1, यानी ए टू का जो वैल्यू होगा बाबू वो कितना कितना निकल कर आएगा 1 निकल जाएगा। अब सुने फिर इसी तरह से पूछ रहे बच्चे तीसरे तीसरा पद तो निकालने लोगे ना बच्चे तीसरा पद तो आसान हो गया ना। अब यदि तीसरा पद निकालना है बच्चे तो फिर यहीं पर वैल्यू पुट करना, एन कितना एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, और एस थ्री आलो समय और एस थ्री एस का वैल्यू कहां से निकालेंगे यहां से निकालेंगे, एस थ्री थ्री में से 2 को घटा दो आलो समय एस थ्री का ना हाँ देखो यहाँ 3 में से दूसरा घटा दो दूसरा कितना होगा 4 घटा दो जितना बचेगा वह तीसरा पद निकल जाएगा। अब समय देखते हैं इसको निकाल इसको हटाते हैं अब निकालना है तीसरा पद मीन्स ए थ्री। अब ए थ्री के लिए देखो बाबू एस एन एस एन का वैल्यू 3 और एस एन माइनस वन एन मतलब क्या 3 में से 1 घटा देते बाबू तो कितना बचेगा 2 बचेगा बाबू। अब एस थ्री का वैल्यू देखो बच्चे कितना है 3 है और 2 का वैल्यू कितना बाबू 4 है मीन्स कितना होगा बाबू माइनस 1 हो जाएगा, यानी ए थ्री का वैल्यू निकल कर आ जाएगा बच्चे माइनस 1 निकल कर आ जाएगा, यानी तीसरा पद कितना आएगा बच्चे ठीक है माइनस 1 आएगा। इसी तरह से दसवें पद निकालना है निकाल लोगे तो पहले यहाँ ठीक है सम ऑफ 10 निकाल लेना फिर 9 निकाल लेना क्योंकि दसवें पद से नौवां पद दसवें पद यानी दसवें पद के जोड़ में से नौवें पद के जोड़ को घटा देंगे तो दसवां पद निकल आएगा बाबू आर न बच्चे समझ में। तो यहाँ एन बराबर पहले 10 रख लेना तो एस 10 का वैल्यू निकल जाएगा फिर एन बराबर 9 रख देना फिर एस 9 का वैल्यू निकल जाएगा फिर दसवें एस 9 में से सॉरी एस 10 में से एस 9 को घटा देना तो दसवें पद निकल जाएगा आई बॉक्स में ठीक है। तो यहाँ बाकी आप लोग कर लेना हम इसको देखते हैं तो कह रहे हैं कि एनवे पद ज्ञात कीजिए तो एनवे पद कितना होगा बाबू जरा इसको देख लेते हैं इसको हटा लेते हैं जरा इसको इरेज कर लेते हैं। देखो एस एन बराबर दिया बच्चे 4 एक मिनट को क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है दिया है 4n माइनस n स्क्वायर तो पूछ रहा है nवे पूछ रहा है बच्चे nवे पद ज्ञात करना है तो nवे पद के लिए क्या करना बच्चे क्या करना पड़ेगा बाबू तो पता होगा ना निकालना है nवे पद के लिए निकालना पड़ेगा बाबू sn माइनस में sn माइनस 1 पुट करना पड़ेगा आरोप तो यहां देखो बाबू यहाँ देखो n तो ये तो हो गया n वे टर्म्स है सम ऑफ n टर्म्स बराबर इतना ही होगा ये तो चेंज नहीं होगा मिस होगा बच्चे 4n माइनस n स्क्वायर और माइनस यहाँ देखो बाबू s n माइनस 1 ठीक ना जहां जहां n का वैल्यू है ना बाबू वहां वहां n माइनस 1 पुट करेंगे तो देखो 4 का 4 हो गया यहाँ देखो एस एन माइनस 1 पुट करेंगे एन माइनस 1 पुट करेंगे तो एन के बदले में हम रखेंगे बाबू देखो ये एन है ना बाबू एन के बदले में पुट करेंगे बच्चे एन माइनस 1 माइनस में फिर आएगा बाबू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा आरोप समझे ठीक है। फिर देखो चलो इसको कैलकुलेशन करते हैं 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस में देखो तो बाबू ये हो जाएगा 4n प्लस में 4 हो जाएगा माइनस में a माइनस b को होल स्क्वायर से तोड़ देते रह रहे थे जगह भी नहीं अभी इधर बनाते हैं उनका होल स्क्वायर
चलते हैं करते हैं इसको, अब देखते हैं 4n है यहाँ पर, ये तो कैंसिल हो गया, सॉरी 4n माइनस 4n, चलो ये तो कैंसिल हो गया, बच गया बाबू देखो तो यहाँ पर an इक्वल टू बचा बच्चे माइनस में n स्क्वायर बचा, देखो ये माइनस में n स्क्वायर बचा और यहाँ बाबू प्लस में 4 बच गया, ठीक ना, प्लस में 4 बचा, उसके बाद बचा है बच्चे माइनस, यहाँ देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, देखो a माइनस b का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस में 2ab यानी 2n प्लस में b स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बाबू 4 होगा माइनस में n स्क्वायर, देखो माइनस में n स्क्वायर हो गया और माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक ना बाबू, देखो तो ये हो गया n स्क्वायर ये प्लस में 4 हो गया और यहाँ पहले से जो माइनस था बच्चे ये वाला गड़बड़ हो गया, सॉरी बाबू गड़बड़ हो गया रुक गया, तो नहीं ठीक है, देखो देखो ठीक है गड़बड़ नहीं है, ये माइनस सॉरी प्लस कैंसिल हो गया, ठीक ना 4 और 1 4 1 हो गया 5 और माइनस से बच गया बाबू 2n बराबर में ये हो जाएगा बच्चे a n का वैल्यू एनवे टर्म ठीक कर देगा, ठीक ना, चलिए यहां ध्यान रखकर कैलकुलेशन करते हैं, यहां थोड़ा शॉर्ट में किए हैं या यहां पे यहां ऐसे कर सकते हो कोष्ट रख सकते हो बड़ा वाला कोष्ट रख करके कर लेना, ठीक ना, क्योंकि हम यहां शॉर्ट में कर दिए हैं इसे हो सकता है कहीं कंफ्यूजन हो इसलिए काम करना, क्योंकि sn-1 ये अलग है बाबू इसको अलग कोष्ट में रख देना इसको अलग कोष्ट में रख देना, और यहाँ n है बच्चे यहाँ n है ना यहाँ n n स्क्वायर ठीक ना और यहाँ n है इसके बदले में n माइनस वन पुट कर किए हैं, ठीक ना बाबू ये जो टर्म से देखो 4 का 4 हो गया n के बदले में n माइनस वन पुट किए हैं, n स्क्वायर देखो n के बदले में क्या पुट किए बच्चे n माइनस वन का होल स्क्वायर पुट किए हैं, उसके बाद कैलकुलेशन कर लो फाइव में निकल के आ जाएगा बाबू, ठीक ना 5 माइनस 2n आ जाएगा, जरा प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिलता है थोड़ा, ठीक ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखो तो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन कर ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, 40 धन पूर्णांक यानी n का वैल्यू यानी कितना दे रखा बच्चे 40 दिया हुआ है, पदों की संख्या 40 दिया हुआ है, पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है, अब 6 से विभाजित होने वाली 40 धन पूर्णांक होना चाहिए, तो 6 से विभाजित होने वाली क्या होगा एक 6 होगा शुरू स्टार्टिंग 6 1 2 3 5 5 तक तो विभाजित होगा नहीं 6 ही 6 से विभाजित होगा, फिर 12 होगा फिर 18 होगा, इस तरह से बढ़ते चल जाएगा कितना तक बढ़ेगा वो 40 तक बढ़ेगा, ठीक है तो देख लेते हैं 6 से विभाजित होने वाली संख्या 6, 12, 18, 24 इस तरह से बढ़ते चल जाएगा, अब यहाँ देखो बाबू a बराबर 6 हो गया d बराबर अंतर तो 6 ही है ना n बराबर कितना है बाबू 40 है, क्या समझ गया ना, तो यहाँ से आप sn नहीं निकाल सकते बाबू s 40 का मान यानी 40 बटा 2 2a a का वैल्यू 6 प्लस में एन का मान 40 माइनस 1 इंटू 6 अरे बस में बस कैलकुलेशन कर दो यहाँ कर लेना कैलकुलेशन, क्योंकि 40 पद तक निकालना था इसलिए एन के बदले में 40 पुट कर दिया, ठीक ना बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन, थर्टी नंबर क्वेश्चन करें 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 8 का गुणज यानी मल्टीपल जैसे 8 16 24 यानी 8 का टेबल पढ़ते चल जाओ आप, अभी कितना बाबू 15 तक का 15 तक का योग निकालना है, फिर बाबू यहां लिखते हैं सॉल्यूशन में 8 के प्रथम
पंद्रह गुणज कितना होगा बाबू, देख लो आठ सोलह चौबीस बत्तीस सौ और कितना तक जाएगा बाबू, पंद्रह तक जाएगा। सच में बाबू इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव से इस तरह से हम टर्म्स की संख्या काउंटिंग करते जाएंगे तो वह पंद्रह होगा बाबू। देन एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, पंद्रह होगा। यहाँ देखो बाबू ए बराबर आठ हो जाएगा, डी बराबर भी आठ ही रहेगा, डिफरेंस तो आठ ही है ना, और एन बराबर कितना हो गया बाबू, पंद्रह हो गया। तो अब पूछ रहा है कि इन्हीं पंद्रह पदों का योग कितना होगा, तो बड़ा आसान है बाबू, आराम से आप निकाल सकते हो फॉर्मूला बेस से, एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो है बाबू। अरे सुने, या पंद्रह पदों तक का निकालना है तो डायरेक्ट आप निकाल दो, यहाँ पर एस पंद्रह इक्वल टू ए प्लस फोर्टीन डी, वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर निकल जाएगा। अब सुने ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन देखो, करें जीरो और पचास के बीच की विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, ठीक है बड़ा आसान है। देखो जीरो और पचास के बीच में विषम संख्या कितनी है, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है जीरो और पचास के बीच में प्रथम विषम संख्या क्या होगा, वन होगा, थ्री होगा, फाइव होगा, अनुदने सेवन होगा, नाइन होगा, सो ऑन, कहां तक बच्चे फोर्टी नाइन तक। अरे समय क्या देखो, ए का वैल्यू कितना होगा बाबू, वन हो जाएगा, और डी का वैल्यू टू हो जाएगा, और ए एन का मान फोर्टी नाइन हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए एस एन ना, एन का वैल्यू चाहिए ना बाबू, तभी ना हम जोड़ निकाल सकते हैं बाबू। एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है बाबू। तो अब एन रहेगा तभी ना निकल पाएगा, इसलिए हम यहां से एन का मान निकालेंगे, ठीक ना। एन का मान यहां से निकलेगा ए प्लस, देखो यहां ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू फोर्टी नाइन, ए का वैल्यू हो जाएगा वन हो गया, अब एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू टू हो गया, इक्वल टू हो गया फोर्टी नाइन हो गया, वन को भेज देते उधर तो निकल कर आ जाएगा बाबू एन माइनस वन इंटू में टू इक्वल टू में वन, इधर आएगा तो घटेगा बाबू, ठीक ना, तो क्या बचेगा फोर्टी एट बच जाएगा, है ना फोर्टी एट बचेगा। अब यहाँ ना एन माइनस वन टू को भेज देते हैं तो यहाँ कैंसिल कर देगा बाबू चौबीस ट्वेंटी फोर का, तो यहाँ हम बचे बच्चे ट्वेंटी फोर, देन एन माइनस इसको इधर भेज देते हैं तो कितना होगा बाबू, माइनस है ना इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, देन ट्वेंटी फाइव हो गया, एन बराबर ट्वेंटी फाइव हो गया। अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर दो, आप कितना निकलेगा ट्वेंटी फाइव, यहाँ ट्वेंटी फाइव बाई टू और यहाँ पर टू इंटू वन। अच्छा निकालना है क्या, पच्चीस पच्चीस पद निकालना है ना, पच्चीस फोर टर्म्स, पच्चीस पदों का योग निकालना है, तो ई वाला नाम निकालो, दूसरा फॉर्मूला लगा दो आसान होगा, ठीक है ई वाला लगा दो, एस पच्चीस इजकल टू ए प्लस पच्चीस है ना बाबू तो चौबीस डी कर दो बस, यहाँ वैल्यू पुट कर दे निकाल देगा, ए का वैल्यू वन चौबीस, डी का वैल्यू टू हो जाएगा, पच्चीस पदों का योग हो जाएगा बच्चे, ठीक है देखो तो चौबीस दिन अड़तालीस है उनचास, एन माइनस वन एन का वैल्यू निकल गया ना पच्चीस, हाँ ठीक तो है फिर तो चलो ठीक है, तो कितना हो जाएगा वो फोर्टी नाइन, ठीक है यानी पच्चीस पदों का विषम संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक ना बाबू, तो एक काम करो ना इससे नहीं निकालो राइट ना, आप निकाल लो इसी से निकाल लो, इससे निकाल देना ठीक ना, क्योंकि 25 एन का वैल्यू निकल गया 25 है और यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ठीक है 25 बाई टू हो जाएगा, टू इंटू ए का वैल्यू, ठीक ना बाबू ए का वैल्यू वन हो जाएगा, प्लस में 25 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू टू, चलो वैल्यू यहाँ कैलकुलेशन कर दो निकल जाएगा, ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलो देखते हैं बाबू क्वेश्चन 15 नंबर, क्वेश्चन तो बहुत लंबा ले रहा है देख लो, ठीक ना, देखते हैं। कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से शुरू करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर के जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है, 50 रुपया अधिक है, एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है, ठीक ना। यानी शुरू में कितना रुपया देता है बच्चे, 200 रुपये देता है, देखो शुरू में 200 रुपया, मैंने पहला दिन के लिए 200 रुपया, दूसरा दिन के लिए 250 रुपया, तीसरा दिन के लिए 300 रुपया, तो चौथा दिन के लिए कितना होना चाहिए, 350 रुपया, 100 से तो पर, तो यानी जितना दिन लेट से, ठीक ना बाबू, जितना दिन लेट से काम शुरू करता है, ठीक ना, विलंब होता है, तो प्रत्येक दिन के लिए वो 50 रुपये का जुर्माना रखता है, तो 50 रुपये का जुर्माना रखते हैं प्रत्येक दिन के लिए, मीन्स वह तो समान है ना बाबू, कॉन्स्टेंट है ना, तो कॉन्स्टेंट है तो वह तो डी का काम करेगा, डी के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा, ए जो है बाबू देखो ए कितना होगा, 200 रुपया हो जाएगा, और डी कितना होगा बच्चे, 50 रुपये का हो जाएगा, और कितना दिन तक का, ठीक ना, कितना दिन का वह विलंब करता है बच्चे, 30 दिन के विलंब करता है, तो एन का जो वैल्यू होगा बाबू वह कितना हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। अरे वो सुनने, उसके बाद आप टेंशन निकाल सकते हो, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू में डी, वैल्यू पुट कर दो निकल जाएगा, है ना बाबू, देखते हैं नेक्स्ट।